हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव और आज हम लोग लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप स्पीकर में देख लीजिए कि यहाँ कुछ वायर के टुकड़े रखे हुए हैं। एक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा है, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। एक क्यूब भी है जिसका जो साइड है वो 1 मीटर का है। इस क्यूब का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रो है। इसके साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस आर ऑफर्ड बाय द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है आपका, इट वेरीज डायरेक्टली एट इट्स लेंथ एल, इट वेरीज इनवर्सली एज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहला ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसके भी जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। अभी हम लोग फार्मूले के थ्रू इसको प्रूव भी करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। लास्ट फैक्टर को अगर नेगलेक्ट कर दिया जाए, टेम्परेचर के फैक्टर को, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल लेंगे। आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल यानी रो एल बाई ए। इक्वेशन नंबर 1 इसको बना लेते हैं। इसके साथ ही साथ आगे पढ़ते हैं, वेयर द रो इज अ कॉन्स्टेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड इज नोन एज इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इस इक्वेशन में कुछ हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। एल इज इक्वल टू 1 मीटर ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, आर इज इक्वल टू रो, रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो की वैल्यू ले लेते हैं। हेंस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल में बी डिफाइन एज द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेसेस ऑफ द मीटर क्यूब ऑफ दैट मटेरियल। जो अपोजिट फेसेस हैं, इन अपोजिट फेसेस की जो वैल्यू है, इन अपोजिट फेसेस से ही हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। तो इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल में बी डिफाइन एज द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेसेस ऑफ द मीटर क्यूब ऑफ दैट मटेरियल। तो रेजिस्टेंस जो हमारे अपोजिट फेसेस है, कोई अगर मीटर क्यूब है और उस मीटर क्यूब है तो इस मीटर क्यूब के जो अपोजिट फेस है, इस अपोजिट फेस के बीच का जो रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस आपको क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी। तो इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।